लेकिन प्लीज एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, जिंदगी भर तुम्हें तंग नहीं करूंगा। बस एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो। कहो। नहीं यहाँ कैसे कहूँ, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, वहां बैठ के बात करते हैं। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? तुम्हारे साथ कहीं अकेले में मिलूं, रेस्टोरेंट में बैठूं, तुम्हें पिक्चर्स बनाओ और उसके बाद वायरल कर दो। तुम गलत समझ रही हो मेरे बारे में, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। ऐसा ही है, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे डरा धमका कर, मुझे ब्लैकमेल कर मुझे हासिल कर लोगे तो तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारा ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमसे कह रहा हूँ तुम गलत समझ रही हो मेरे बारे में। मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आइंदा हाथ मत लगाना। लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो, मैं अपने गुनाहों का कुफारा अदा करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम एक शादीशुदा लड़की को प्रपोज कर रहे हो। अरुण तुम्हारे काबिल नहीं है, उसके पास जो भी कुछ है वो मेरा दिया हुआ है। सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है नगीन। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी उस मिडिल क्लास आदमी के साथ गुजारो, घुट घुट के जियो। उसके पास कुछ नहीं है अपना, उसको जॉब पे मैंने रखा है। ये जॉब भी बहुत जल्दी छोड़ देगा। मैं उसे प्रेशराइज करूंगी और वो ये शहर भी छोड़ देगा। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वो तुम्हें तो छोड़ सकता है लेकिन ये जॉब या आशाएं कभी नहीं छोड़ेगा वो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन नगीन प्लीज तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करके मुझे हासिल कर लोगे तो तुम्हारी भूल है ये। नगीन नगीन मेरी बात सुनो, तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं इसी तरह तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। नगीन तुम मेरा फोन तक तो उठाती नहीं हो, इतनी मुश्किलों से आज मौका मिला है तुमसे बात करने का। लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम मुझे जो सजा दोगी मैं कबूल कर लूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी बात तो सुनो। क्या सजा दूं तुम्हें? कौन होती हूँ मैं सजा देने वाली? सजा देने वाली जात अल्लाह की। तुम अपनी सजा भुगत रहे हो, सब कुछ गवा देने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आई? अब तो सुधर जाओ। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे तरस आ रहा है तुम पे। मुझे तुमसे बहुत नफरत है लेकिन इस वक्त तुम काबिले रहम लग रहे हो मुझे। खुदा की लाठी बे आवाज होती है, आज यकीन आ गया इस बात का। कहां गया वो गुरूर? ये वो सुल्तान दुरानी तो नहीं जिस सुल्तान दुरानी को मैं जानती हूं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मैं हार गया हूं तुम्हारी मोहब्बत के सामने। मैं उस मोहब्बत की शिद्दत को नहीं पहचान सका जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए थी। तुम्हारे मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया है, मैं कितना अधूरा हूं तुम्हारे बगैर। मोहब्बत जब इंतकाम पर उतर आती है ना तो ये रिश्तों का एहतराम भूल जाती है। मैंने भी वही किया तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, बस मुझे माफ कर दो। मोहब्बत? तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? इस जज्बे को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी मोहब्बत की कब्र अपने दिल में बनाकर मैंने इसका पल पल तवाफ किया है। प्लीज अब तो मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो। बहुत मुश्किल में हो, बहुत तकलीफ में हो। मोहब्बत कुर्बानी देने का नाम है। अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो दे दो कुर्बानी, भूल जाओ मुझे। नहीं नहीं तुम मुझसे मेरी जान मांग लो,
मुझे अपने हाथ से गोली मार दो, लेकिन मुझसे कुर्बानी ना मांगो। मैं कुर्बानी नहीं दूंगा, मैं कुर्बानी नहीं दे सकता। ये मैं नहीं जानता कि मेरा दिल तुम्हारे लिए कैसे बदल गया, लेकिन हकीकत यही है कि मेरा दिल बदल चुका है। वो साल मैंने तुम्हारे बगैर कैसे काटे ये मैं जानता हूँ, कितनी तकलीफ में काटे ये मैं जानता हूँ। मैंने गलती की थी, उसका खुमियाजा मैंने भुगत लिया। अब और सजा नहीं भुगतना चाहता मैं। इधर मेरी तरफ देखो, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। देखो हारून के पास तो उसकी माँ है, उसकी बहन है, वो किसी और से शादी भी कर लेगा। मैं उसको इतने पैसे दे दूंगा कि वो कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। मेरे पास कोई नहीं है, तुम सुन रही हो ना मेरी बात, मेरे पास कोई नहीं है। बस तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मुझे तुम हर हाल में मेरी जिंदगी में वापस चाहिए हो। मैं तुम्हारे बगैर अकेला हूं और मैं अकेला रहना नहीं चाहता। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ।